अस्सलाम वालेकुम। तो आज था मंडे और मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी। यहाँ मैंने निकाल के पहन लिए थे अपनी बहन के कपड़े और मुझे बड़ा मज़ा आता है। अक्सर मैं बहन के कपड़े पहन जाती हूँ, अपने छोटे वाले भाई के शूज़ पहन जाती हूँ। और असल लड़ाई तो जब होती है जब वापस घर आओ और छोटा भाई या बहन को कहीं जाना हो और वो चीज़ मैं पहन के गई भी होती हूँ। और सेम इसी तरह बड़े वाले भाई के साथ होता है, मुझे उसकी टी शर्ट्स इतनी पसंद है। मैं अक्सर कभी कभी कहीं जब जाना होता है तो मैं उसकी टी शर्ट्स निकाल के पहन लेती हूँ, बाद में वो इतना गुस्सा करता है। तो खैर यहाँ पर मैं पहुँच गई थी यूनिवर्सिटी और संडे की रात में अचानक से इतना अच्छा मौसम हो गया था, बिल्कुल सर्दियों वाली फील आ रही थी। मुझे तो खुशी हो रही थी कि अब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। और सुबह में सेम 8 बजे के टाइम पे इतना मज़े का मौसम हो गया था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के एरिया के साइड पे जो है ना वो बारिश ज़्यादा होती है, मतलब बाकी एरियाज़ की नज़र। मैं यहाँ पे पहुँची थी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी इतनी प्यारी हो रही थी, एंटर होती इतनी प्यारी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे हम लोग स्टैट्स पढ़ने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और फाइनली यहाँ पे जगह मिल गई थी। मैं और मेरी दोस्त जल्दी आ जाते हैं तो हम लोगों की सुबह की रोज़ की ये रूटीन हो गई है कि हम लोग स्टैट्स बैठ के लाजमी पढ़ते हैं क्योंकि पेपर्स भी करीब हैं और आखिरी सेमेस्टर। वैसे हम लोग बैठ के लॉबी में भी पढ़ी लेते थे कभी कभी, लेकिन जो है वो इन मैडम को बिल्लियों से बहुत डर लगता है तो मजबूरन हमें अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। लेकिन खैर बाद में यहाँ पे भी डॉगी आ गया था। 9:30 बजे जो हमारी क्लास शुरू होती है फिर वो कंटिन्यू रहती है 11:30 बजे तक, और 11:30 बजे के बाद इतनी कोई तेज़ भूख लगनी शुरू हो जाती है। और टू बी ऑनेस्ट अब तो कराची यूनिवर्सिटी का सब खा लिया, रोज़ रोज़ कुछ समझ ही नहीं आता क्या खाएं। तो आज हम लोग लेके आ गए थे अपने अपने घरों से पहले से डिसाइड करके। मेरे घर में रात में वाइट हांडी बनी थी तो मैं वो ले गई थी, और इसके अलावा साथ साथ पराठे और कुछ लड़कियाँ कबाब ले आई थी तो हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खा लिया था। फिर थी हमारी लास्ट क्लास और इसका मैं मजाक उड़ा रही थी कि तुम हर वीडियो में सिर्फ लानते देते ही आते हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी की क्लास में जो है ना वो वाहिद एक ही क्लास होती है जिसमें नींद नहीं आती। हर टीचर का अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का। अब्बास टीचर जो है वो बिल्कुल लेक्चर मेथड पर चलते हैं तो उस क्लास में ना वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि बाद सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, फिर उसमें बहुत नींद आना शुरू हो जाती है। आज थी हमारी साइकोलॉजी की ऑलमोस्ट कोई सेकंड लास्ट क्लास और आज सब ने सर को कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। खैर यहाँ पे ख़त्म हो गई थी हमारी आखिरी क्लास और फिर बेहतर यही था कि हम लोग घर चले जाएं, क्योंकि पॉइंट का टाइम हो जाता है, टाइम ही नहीं होता कुछ और आगे बंदा कहीं जाने का सोचे। बाहर निकले तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, धूप तो थी ही नहीं और बिल्कुल रात में बारिश हुई थी, सुबह में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। काफ़ी टाइम से हमारा एक अधूरा प्लान था कि हम कुल्फ़ी खाने जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ही खड़ा होता है वो ग्रीन शर्ट से पहले। बचपन में जब छोटे हुआ करते थे तब खाया करते थे ये वाली कुल्फ़ी, और आफ्टर सो लॉन्ग हम लोगों ने ये कुल्फ़ी खाई, बल्कि नहीं मैंने तो फर्स्ट टाइम भी खाई थी। अभी खाएंगे ना तुम, देख टड्डी मत करो तुम लोग। विशा आगे पकड़ लो, लाओ भाई स्ट्रीक। अंकल मेरी है, अंकल कुल्फ़ी खाने के बाद फ़ौरन से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर धूप निकल आई और मौसम दोबारा से थोड़ा सा गर्म गर्म हो गया था। खैर फिर उसके बाद पॉइंट्स खाने का टाइम हो गया था तो फिर हम लोग घर चले गए थे अपने अपने।